तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक स्मार्ट कूलर, और यह है ब्रांड है उषा का, उषा का एरियो एक स्मार्ट कूलर है। और देखिए बहुत एक अच्छा क्वालिटी का अच्छा डिज़ाइन से बना हुआ एक कूलर है, और इसका लीटर कैपेसिटी है 35 लीटर आता है। और साथ ही साथ इसमें आपको रिमोट कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, और ऊपर में आपको टच पैनल बोर्ड भी मिलेगा, इससे आप टच करके अपनी कूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए इसका बॉडी पहले देख लीजिए, इसका जो हवा जिस तरह से आता है इसी जगह से इसका हवा आता है, इसको आप ऊपर नीचे इसीलिए आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और स्विंग ऑप्शन है इसके अंदर, और नीचे वाला पोर्शन में आपको वाटर लेवल देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका पीछे वाला पोर्शन को दिखाता है, उसके बाद इसको ऑन करके आपको चला के भी दिखाता है इसका हवा कैसा आता है। ये इसका पीछे वाला पोर्शन देखिए, पीछे वाला पोर्शन आप इसको इजीली डायरेक्ट कल से आपका पानी डाल सकता है, इसमें पाइप दिया हुआ एक्स्ट्रा करके, इसके अंदर पानी भी अलग से आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से भी डाल सकते हैं, और डायरेक्ट आप कॉल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर फॉस्फोरस है, इजीली इसको खोल के आप इजीली साफ कर सकते हैं, और इसके अंदर दो ठो आपको कूल पैड दिया हुआ है। चलिए इसको हम निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये इसका कूल पैड है, इसको आप फ्रिज में रख के, डीप फ्रिज में रख के इसको बर्फ बना के इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको ठंडा पानी भी मिलेगा। एक ठो दो ठो कूल पैड मिलेगा। दिखाते हैं इसको, पहले इसका जो ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पर, और इसका फैन का स्पीड बड़ा कमाल करने के लिए, इस स्विंग करने के लिए, ये है आपका मॉइस्चराइजर कंट्रोल करने के लिए, इसका टाइम और मोड्स और पंप्स को ऑन करने के लिए। इसको पहले ऑन करते हैं, जैसे इसको प्रेस करते हैं ये ऑन हो जाता है। देखिए इसके अंदर हवा आता है, और ये है आपका लो स्पीड, जैसे इसको प्रेस करेंगे स्पीड बढ़ेगा, और साथ ही साथ और भी स्पीड बढ़ेगा, साथ ही साथ और भी स्पीड बढ़ेगा। ये इसका स्विंग है, ऐसे करेंगे स्विंग करना शुरू कर देगा इसके अंदर से, और इसका टाइमर आप भी सेट कर सकते हैं, जैसे एक 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 8 आवर्स, मैक्सिमम 8 आवर्स तक सेट कर सकते हैं। इसका मोड है, देखिए इसका मोड आता है ऐसे करके, बहुत सारा मोड मिलेगा। इसका पंप ऑन करने के लिए ये भी है, तो ये आप मैन्युअली टच पैनल से भी इसका कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका जो रिमोट है रिमोट से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी का है, और ये मार्केट प्राइस में आपको 8 से 9 हज़ार के अंदर आपको मिल जाएगा, तो बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी का कूलर है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।